मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सैवन चैप्टर फाइव एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर से स्टार्ट करना वा साढ़े को नीचे गिवन आ टू दावर फोर साढ़े को एक नंबर आ टू दावर फोर जोड़ा सा टू आ कहते हैं द नंबर टू इज़ कॉल्ड बेस टू साढ़े कोल की बेस आते टू दावर साढ़े को फोर आ द नंबर फोर इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट नीचे वाले असी की बोलते हैं टू नी बोलोंगे बेस तो उपर वाली पावर जी फोर आल की है पावर आ टू की पावर फोर टू बेस तो फोर साढ़े को है वा एक्सपोन ज पावर हूँ असि एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन स्टार्ट करा फस्ट सम आइंट द वैल्यू ऑफ नीचे फस्ट इक्वेन आ टू द पावर फाइव हूँ असी यैल्यू फाइंड करनी है. सब तो पहले अं फस्ट समू सोल्व करा हूँ साढ़े को टू द पावर फाइव बेस साढ़े को पावर किल फाइव हूँ असी किस तरह इन सोल्व करना वा ऊपर पावर साढ़े को फाइव टू नी कि बारी मल्टीप्लाई करा फाइव टाइम जिनी भी पावर हो नीचे जिस तरह टू बेस आ उपर पावर साढ़े को फाइव आसी टू नी बारी मल्टीप्लाई करना फाइव टाइम्स टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू हूँ असी टू नी बारी मल्टीप्लाई किया फाइव टाइम क्योंकि पावर किल फाइव हूँ असी इनू मल्टीप्लाई किया टू टू का फोर फोर टू का एट एट टू का सिक्सटीन सिक्सटीन टू न मल्टप्लाई किया कि आंसर आया थर्टी टू साढ़ा कि आया आंसर हूँ सैकेंड आर्टीन दावर किल टू हूँ असी थर्टीन कि लिखा दो वारी क्योंकि पावर साढ़े को टू थर्टीन मल्टीप्लाई थर्टीन दो वारी लिख लिया क्योंकि थर्टीन की पावर साल किसी टू हूँ थर्टीन थर्टीन मल्टीप्लाई किया तो साल आया वन हंड्रड सिक्सटी नाइन आंसर ਫਰਸਮ ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ بیس ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 5 2 ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਖੋਲ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 13 ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 13 ਨੂੰ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰੈਸ ਇਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव हूँ सूँ फाइव मल्टीप्लाई किया गया कि टाइम फोर टाइम फस्ट आ करना एक्सपेंड किया गया सू ए एक्सपेंड करके इक्वेन कीवन आई एक्सपनैशियल फॉर्म्चनू कन्वर्ट करना हूँ असी किस तरह करा फाइफ की किन्नी कि टाइम फाइफ आ फस्ट सैकेंड थर्ड फोर किस तरह लिखा फाइव द पावर साढ़े आई फोर एक ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि बे साढ़े को फाइव आ पावर साढ़े को फोर क्योंकि फाइव में कि टाइम मल्टीप्लाई किया गया फोर टाइम किस तरह आया आंसर फाइव द पावर फोर बी पार्ट आडे को मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू सू थ्री टाइम एक्सपेंड किया गया नैक्सट ना ही मल्टीप्लाई आ इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन हूँ इलेवन दो मल्टीप्लाई किया गया इन हम असी एक्सपेंडिड फॉर्म एक्सपरेंशियल फॉर्म किस तरह लिखा टू टू लिख लिया टू न कि बारी मल्टीप्लाई किया गया वन टू थ्री कि पावर आ गई थ्री मल्टीप्लाई सैन इलेवन आलैवन लिख लिया इलेवन कि बारी मल्टीप्लाई किया गया वन टू कि टू दावर थ्री 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 3rd ਸਮ ਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਇਨ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮਡ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਫਸਟ 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 मल्टीप्लाई टेन द पावर थ्री हूँ असीू कि फॉर्म से लिखना सिपलीफाई फॉर्म के सब तो पहले टेन ना टेन एज इट इज़ लिखा मल्टीप्लाई साइन हूँ टेन की पावर साढ़े को थ्री हूँ टेन किसी मल्टीप्लाई करना थ्री टाइम टेन मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन हूँ पावर असी खोल के लिख लिया एक्सपेंड कर लिया अ टेन क्योंकि टैन की पावर थ्री से ही किन्नी टाइम किया वन टू थ्री टाइम हूँ असी की टेन में टेन न मल्टीप्लाई किया हंडर्ड मल्टीप्लाई टेनू टेन न मल्टीप्लाई किया हंड्रड हूँ हंडर्ड नंड्रडना मल्टीप्लाई किया वन देे को जीरो आई फोर वन देो आ गई फोर ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 3 ਟਾਈਮ 10 10 10 ਹੁਣ 0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 100 10 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 0 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1000 ਹੁਣ 1000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜ਼ੀਰੋ ਅਨਸਰ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਨ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ 6 ਟੂ फाइव हूँ असी देखना कि सिक्स टू फाइव साढ़े को किस तरह आंधा वा सोल्व करोंगे सब तो पहले इक्वेशन आ सिक्स टू फाइव सिक्स हंड्रड ट्वेंटी फाइव हूँ देखना कि असी कि नंबर न किन्ने टाइम मल्टीप्लाई करा कि वैल्यू साढ़े कोिक्स टू फाइव आवे, आवे. हूँ लास्ट वाला डिजिट साल के फाइव आ फाइव ना मल्टीप्लाई करके देखिए फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव फाइव नो फाइव ना मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव फिर इधर ट्वेंटी फाइव फाइव नो फाइव ना किया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नो नदों ट्वेंटी फाइव ना मल्टीप्लाई करा तो साढ़े कोल को सिक्स टू फाइव हूँ फाइव नो नीं फोर टाइम जो खोल के लिखिया एक्सपेंड किया तो साढ़े को सिक्स टू फाइव हूँ वन टू थ्री फोर साढ़े को फाइव फाइव की पावर कि वन टू थ्री फोर फाइव द पावर 4 ਇਸ ਆਈਡਿਏ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪੀ 6 ਟੂ 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 625 ਸੇਮ ਸਾਈਡਿ ਕੋਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 729 ਹੁਣ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਸਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾ 729 हूँ असी लास्ट वाला साढ़े को डिजिट कि नाइन नाइन डिजिट थ्री के टेबल पर आता वा हूँ असी देखना थ्री नी सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करिए तो साढ़े को सैवन हंड्रड ट्वेंटी नाइन थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री थ्री न कि टाइम असं लिखिया सिक्स टाइम हूँ साढ़े को बेस थ्री पावर कि दो तीन चार पाँच छे कि लिखा सिक्स ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਵਾ 729 ਫਿਫਥ ਸਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਇਨ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ -2 ਬ੍ਰੈਕਟ ক্লোਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਹੁਣ ਅਸੀਂ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ फ टू किसी लिख के हम मल्टीप्लाई करना फाइव टाइम सब तो पहले ब्रैकेट लिखा क्योंकि साढ़े को माइनस टू माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू ब्रैकेट क्लोज हूँ टू पावर माइनस टू तो की पावर साढ़े को फाइव सी असी कि बारी लिखिया माइनस टू नाइव टाइम हम जो सायर मल्टीप्लाई करते ने तो मल्टीप्लाई मल्टपलाई माइनस हो गए से कर दें माइनस कट कर दें सेम माइनस टू माइनस टू कटे गए मल्टीप्लाई दे हम सा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 2 ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ 1 ਲਾਸ 2 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4 4 2 ਦਾ 8 8 2 ਦਾ 16 16 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ 2 ਹੁਣ 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵਾ 32 ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ 32 ਆਨਸਰ हूँ सैकेंड समा को माइनस फाइव द पावर टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री पावर साढ़े को टू आ करना सोल्व करा ब्रैकेट स्टार्ट माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव फाइव द पावर टू सी फाइफ नी कि बारी मल्टीप्लाई किया टू टाइम फाइव लिख लिया मल्टीप्लाई माइनस थ्री दावर किन्नी टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस 3 ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 multiply, 5 ਹੁਣ 3, -3 -3 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 multiply, 3 ਹੁਣ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 25 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 9 ਹੁਣ 25 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵਾ 225 आंसर 225 हंड्रड साढ़े को किया गया आंसर सिक्स समा साइट एक्सपेंडिड फॉर्म इक्वेन आ टू जीरो नाइन फाइव सिक्स हम असी सबन की करना एक्सपेंड करना हूँ असी किस तरह किया कि सिक्स साढ़े को हंडर्ड थाउजेंड टेन थाउजेंड आ सारी नो एक्सपेंड करा सब तो पहले साढ़े को फस्ट की आ टू 2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 0 ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਆ 1000 1000 ਆ 0 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਲੱਸ ਹੁਣ 100 ਲਿਆ 9 9 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲੱਸ ਹੁਣ 5 ਕਿੰਨਾ 10ਸ 5 ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਇਆ 1 जीरो प्लस वनस की है साढ़े को कर ली एक्शन एक्सपेंड कर लिया जो तो सारी इक्वेशन असं प्लस करा तो साढ़े को आएगी गिवन जी इक्वेशन सू गिवन है टू जीरो नाइन फाइव सिक्स इस तरह असं एक्सपेंड कर दिया समू सैवन सम है साढ़े कोसप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हूँ सू इक्वे नीचे गिवन आ सब तो पहले असं करे फैक्टर्स बनावे साइड को इक्वेशन वन टू नाइन सिक्स प्राइम फैक्टराइजेशन करा सब तो पहले सिक्स साढ़े को ईवन नंबर आगे टू सिक्स का ट्वेल्व टू फोर द एट वन बचिया कैरी चले गया टू एट दिक्सटीन फिर साढ़े कोट ईवन नंबर है टू देंगे टू थ्री द सिक्स टू टू द फोर टू फोर द एट फिर साढ़े को फोर है ईवन नंबर टू के नाल करा टू वन द टू वन बचिया टू सिक्स ट्वेल्व टू टू द फोर फिर टू ईवन नंबर है टू दाँगे टू एट दिक्सटीन टू वन द

इन सिक्स इक्वल टू दे किन्ने आ गए वन टू थ्री फोर न मल्टीप्लाई किया फोर टाइम मल्टीप्लाई हूँ थ्री न कि बारी मल्टीप्लाई किया फोर टाइम हम टू नेस साढ़े को इतों तक साढ़े को बेस टू आ टू की पावर कि वन टू थ्री फोर टू पावर फोर मल्टीप्लाई थ्री आ थ्री थ्री दावर कि वन टू थ्री फोर थ्री दावर फोर इक्वल टू द पावर फोर थ्री दावर फोर साढ़ा की आया आंसर असी वन हंड्रड टू वन थाउजेंड टू हंड्रड नाइनटी सिक्स का ही अं एक प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्ट्राइजेषन फिर असं ओन कैद एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ पावर बिच्च फोर टू साढ़े टाइम आया फोर टाइम थ्री साढे को फोर टाइम टू बेस आ टू पावर कि वन टू थ्री फोर टू पावर फोर हूँ साढे को वन टू थ्री फोर थ्री आ थ्री पावर कि फोर आंसर किया टू पावर फोर थ्री दावर फोर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤੋਂ 6 ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਸੇਮ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.1 ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ